पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई 3 में कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज को लेकर पुलिस और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। बजरंग दल के लोगों ने बिना कारण मेरा रास्ता रोका था, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों ने नोटिस दिया था कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम थाने का घेराव करेंगे। इसके बावजूद एसपी का कहना है कि अनुमति नहीं थी। दंडाधिकारी के आदेश के बिना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई और 150 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने जानबूझकर दहशत फैलाने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रजातंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को है, इससे हम दबने वाले नहीं है। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। देखिए, सरकार सुरक्षा दे नहीं पा रही है और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए बजरंग दल के लोग मेरा रास्ता रोके थे बिना कोई कारण के। उस पर कोई कार्रवाई पुलिस ने की नहीं और इसीलिए जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों ने 48 घंटे का नोटिस दिया था कि आप इसे गिरफ्तार करें, अन्यथा हम लोग भिलाई 3 पुरानी भिलाई के जो थाना है उसको घेराव करेंगे। थाना घेराव और वहां धरना प्रदर्शन की सूचना भी एसडीएम को दे दिया गया था और जो सबको सर्कुलेट हुआ था। उसके बावजूद भी एसपी का यह कहना कि अनुमति नहीं थी, इससे सरासर झूठ और दूसरा नहीं हो सकता, जबकि वो कॉपी मैंने मीडिया को दिखा भी दिया। दूसरी बात यह है कि बिना दंडाधिकारी के आदेश के वहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की बेदम पिटाई की गई, बेरहमी से पिटाई की गई। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून का राज चलेगा, तो कानून के हिसाब से काम करिए, क्योंकि बिना दंडाधिकारी के आदेश के लाठीचार्ज हुआ तो संबंधित जो अधिकारी है उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए जिन्होंने मारपीट की, और जो संबंधित अधिकारी है जो दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी 150 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया और जो टेंट माइक वाले हैं उसका गरीब लोगों का वो सामान जब्त कर लिए हैं, मतलब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है लगता वहां के एसपी का, बौखला गए हैं। क्योंकि जो लगातार जो मामले उठ रहे हैं, खासकर जो स्कूल में जो छोटे बच्चे के साथ जो अनाचार हुआ उस मामले को वो दबा रहे हैं, जबकि पालक लोग आंदोलन किए थे, पूरी बात हुई थी, सब लोग जानते हैं, लेकिन धमकी चमकी दे के वो सब रुकवा दिए हैं। तो उसी बात को बोला हूं तो वो खुन्नस खाए हुए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट कर रहे हैं ये गुंडा राज है। मुख्यमंत्री से को यही याद दिलाना चाहूंगा कि आपने कहा कानून के हिसाब से काम होगा, तो जब दंडाधिकारी का आदेश ही नहीं है तो लाठीचार्ज कैसे हुआ? और जब आपको सूचना दे दी गई थी तो फिर टेंट और माइक को जब्त क्यों कर लिया आपने? वो किरायेदार गरीब आदमी उसके टेंट माइक को जब्त बना रहे, तो आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात तो ये कोई कंट्रोल में नहीं। तो उसी मामले में मैंने पत्र लिखा है। सर, पहले आपके कार्केट को रोका गया, उसके बाद प्रदर्शन किया तो उन पर लाठीचार्ज हुआ, क्या देखते हैं किस तरह का स्थिति ये बनता जा रहा है और अगला स्टेप आप लोग? देखिए भाई, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं तो उसके बाद बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करना तो ये तो बताता है कि आप विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, सुरक्षा सरकार ने दी है, प्रोटोकॉल जारी हुआ, उसमें भी आप सुरक्षा नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब जीराम जैसी घटना घटी जिसमें हमारे प्रथम पंक्ति के नेता सब शहीद हो गए, अब मेरे गाड़ी को भी रोक रहे हैं आप, वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग में घर से 100 मीटर की दूरी पे, वो आपके दल के लोग, और कहते हैं कि आतंकवादी हमला हुआ है, मतलब वो जो ऐसा लगता है कि उनकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मुझे बोला कि मैं क्यों रोक रहे हो भाई, बोले आतंकी हमला हुआ है। मैं बोला सरकार आपकी है, थाना बगल में है, जाकर वहां बात करो, मुझे क्यों रोक रहे हो? तो वहां फिर धक्का मुक्की गाली गलौज सब शुरू हो गया, मेरे सुरक्षा अधिकारी के साथ धक्का मुक्की गाली गलौज। तो इस प्रकार से मतलब बरा गए हैं लगता है सत्ता पक्ष के लोग।